जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित राज्य है, यूनियन टेरिटरी, वहाँ की स्थिति के बारे में चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से पूरा नाकाबंदी है, न्यूज़ का ब्लैकआउट है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क वहाँ पे बंद है। इसलिए कई तरह की प्रश्न उठे हैं। हमारी सरकार को एक सलाह है, भारत एक बड़ा प्रजातंत्र है, संवैधानिक प्रजातंत्र है, भारत के हर नागरिक के संवैधानिक अधिकार हैं। इसलिए सरकार अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को कश्मीर और जम्मू में जाने की पूरी आज़ादी दे। अगर जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल ने कल कहा है, केवल श्री राहुल गांधी जी के संदर्भ में उनको निमंत्रण दिया, जिसका उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी, जवाब भी दिया, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। श्री राहुल गांधी को या किसी अन्य नेता को राज्यपाल की उसमें हॉस्पिटैलिटी की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको जहाज़ भेजने की ज़रूरत है, पर राजनीतिक दलों के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को वहाँ पर जाने की खुली छूट दी जाए, ये हमारी मांग है सरकार से, ताकि देश और दुनिया ये जान सके कि स्थिति सामान्य है जैसा सरकार का दावा है, या अगर कोई चिंताएं हैं वो भी भारत की जनता के सामने आ सकें। क्या कारण कि प्रमुख विपक्षी दल के नेता जिन्होंने प्रयास किया उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। आज 9वां दिन है। भारत जैसे देश के लिए, हमारी छवि के लिए, हमारे सम्मान के लिए ये अच्छी बात नहीं है। हमारा संविधान भारत के हर नागरिक को अधिकार देता है, जहाँ वो नागरिकों से ये अपेक्षा है कि वो कानून का पालन करें, वहीं सरकार, शासन और प्रशासन नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसका भी सम्मान करे। ये आवश्यक है एक प्रजातंत्र के लिए। हमारी ये भी मांग है कि सरकार पहल करे। सरकार ने ही निर्णय लिया है, सरकार ने ही एक तरफा फैसला किया है, सरकार ने ही पाबंदियां लगाई हैं, इसलिए सरकार इस पे एक पॉलिटिकल डायलॉग, राजनीतिक संवाद तुरंत शुरू करे, जिसमें देश के तमाम विपक्षी दलों को विश्वास में ले, उनके नेतृत्व को, वो हालात देखने के लिए वहाँ पे जाके लोगों से मिलें, जो समाज के अलग अलग संगठन हैं उनसे बातचीत कर सकें। उसके लिए ये भी आवश्यक है कि जो नेता नज़रबंद किए गए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं, उन्हें तुरंत आज़ाद किया जाए, नज़रबंदी से बाहर किया जाए, ताकि खुले रूप से वो लोग अपने बात कह सकें,